गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रा का ये तीसरा लेक्चर है आज, और अच्छी अच्छी कहानियाँ हम सीखेंगे इसके बारे में, बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाइए। अटेंडेंस प्लीज, कैसे लगाएंगे? लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस लगेगी लाइक के साथ। गुड मॉर्निंग का मैसेज छोड़िए, कमेंट करिए, राइट, अटेंडेंस लग जाएगी, मैं देख लूंगा हाँ कितने लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, राइट। चलिए शुरू हो जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की जो कहानी है वो एलजेब्रा से रिलेटेड ही है, राइट। तो कैसे कैसे कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे ये चीज बिल्कुल देखने वाली बात है। ओके, चलिए शुरू हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्या कह रहा हूं, x प्लस वन बाई एक्स। अगर ये वन गिवन है, अब तक आपने टू पढ़ा, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू पढ़ा, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कुछ भी पढ़ा, रूट थ्री भी पढ़ा, लेकिन एक फंडा और सीखने जा रहे हैं, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन। मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, लेकिन आज ये सब नहीं करना है। आज मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ ना मेरे प्यारे बच्चों x से मल्टीप्लाई कर दो। जब करोगे x से मल्टीप्लाई तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर, पॉइंट भी क्लियर, प्लस x बाई एक्स, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वन, इधर आ जाएगा x। बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया। एक बार फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे इसी में, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कुछ किया नहीं गया, क्वेश्चन बनाना सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन कैसे बनता है ये आपको आना चाहिए। अगर बनाना आ गया तो फिर करने में कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप बताओ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन नंबर वन इसको और इसको मैं ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चे इसको आपने ऐड किया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक रिजल्ट मिला मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर से बताइए, एक्स क्यूब है ना इधर, और ऊपर प्लस वन बचा, इधर तो कुछ बचा नहीं था, इधर क्या लिखेंगे, जीरो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक्स क्यूब प्लस वन अगर जीरो है तो एक्स क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों माइनस वन, पॉइंट भी क्लियर। एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर जीरो, पॉइंट भी क्लियर। तो एक बात का ध्यान रखना, एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर वन दिया है ना तो इंपॉर्टेंट बातें क्या आने वाली है। पहली इंपॉर्टेंट बात, एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर जीरो, मतलब कहने का ये आया मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की पावर अगर मैं अल्फा लूं प्लस एक्स की पावर बीटा, ये जीरो हो जाएगा अगर अल्फा माइनस बीटा थ्री आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आगे चलकर क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत अच्छे से यूज करने के लिए यूज होंगे, राइट। तो वहां पे आपको टाइम नहीं लगेगा, आप कहेंगे ये तो देखते ही मैं जवाब बता दे रहा हूँ, राइट, पॉइंट भी क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया, एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर वन है तो दोनों तरफ आप एक्स से दो बार मल्टीप्लाई करो, पहली बार किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स, फिर से किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर मैंने इसे जोड़ना शुरू किया, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जोड़िए, राइट हैंड को राइट में। फटाफट लाइक करते जाइए, जितने लोग जुड़ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, टाइम से आए, ठीक है, 10 बजे का टाइम तो 10 बजे आप आ जाइए, शुरुआत से ही जुड़िए और अंत तक पढ़ते रहिए, ठीक है। एक घंटे की क्लास है, बहुत लंबी क्लास नहीं है, राइट। तो एक घंटे का पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, मजा आ जाएगा आपको हर एक चीज समझ कर, राइट। तो यहाँ पे मैंने कहा जोड़ दें, तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ा, राइट को राइट में जोड़ा, पॉइंट भी क्लियर, ऐसा नो, फटाफट बताइए। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, माइनस वन। तो एक्स क्यूब अगर माइनस वन है तो जरूरत पड़ेगी इसकी, ध्यान रखिएगा,
एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन, इसकी जरूरत आपको बिल्कुल पड़ने वाली है। इसके बाद एक शॉर्टकट और मैंने बनाया कि वन, जो ये वन है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ, राइट। तो यहीं से मैं अगर बात करूं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर जीरो इज जीरो, राइट। मतलब अगर पावर में तीन का गैप आया और एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन गिवन हो तो वो दोनों मिलकर क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जीरो होंगे। तो इसी बात पर एक दो क्वेश्चन जरा दिखा देते हैं कि हाँ इस तरीके के इस कंसेप्ट के ऊपर कैसे कैसी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। पॉइंट भी क्लियर, चलिए शुरू हो जाते हैं। तो जल्दी से बताइए बात को, लिखिए जरा क्वेश्चन, प्रॉब्लम लिखिए, राइट डाउन, ट्रिक्स को जरूर नोट कर लीजिएगा ध्यान से, जो भी बताया ये सारी बातें याद करिएगा, ध्यान से नोट करिए और यूज करने में तभी आपको मजा आएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज वन, क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है, राइट, देन एक्स की पावर नाइन, एक्स की पावर ट्वेल्व, एक्स की पावर फिफ्टीन, कहता है मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू बता दीजिए, जल्दी से बताइए जवाब विद इन सेकेंड, फटाफट भीड़ पूरी लगा दीजिए, कमेंट की लाइन लगा दीजिए, जवाब आपसे तुरंत आ जाने चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं लेना है मेरे प्यारे बच्चों, उड़ा दीजिए। बहुत बढ़िया, शुरू हो गए, फटाफट बताओ, पावर में गैप तीन का है, पावर में गैप कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, तीन का है, कहीं भी देख सकते हो, जैसे 12 और 15 इसमें मेरे प्यारे बच्चों तीन का गैप है कि नहीं बताओ, है ना। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, तो इनका रिजल्ट जीरो आ जाएगा, लेकिन ये तो रह जाएगा, अगर 9 और 12 को लेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे, एक्स की पावर 15 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रह जाए उसको तो हम बाद में समझ लेंगे। अरे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं बताइए फटाफट, क्लियर हुआ ना, तो ये जीरो हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पावर में अगर तीन का गैप है तो दो वैल्यूज को आप मिलाकर जीरो रख लीजिए, एक रह गया। तो मैं ये कहूँ ना कि x की पावर 9 को मैं ऐसे लिख दूँ, कोई बात तो नहीं ऐसी कि आपको समझ में नहीं है, आपने कहा क्लियर है, और ये माइनस वन है, माइनस वन का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आपको क्लियरली पता चल गया माइनस वन होगा, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने जवाब बहुत सही दिया, देखकर बहुत अच्छा लगा, राइट, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, x प्लस वन बाई एक्स अगर वन है तो ट्रिक्स ध्यान से याद करिए, सब कुछ याद आना चाहिए, ये बताया, फिर एक ट्रिक्स ये बताया कि एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर जीरो, ये जीरो बताया, फिर मैंने इसी को एक शॉर्टकट में कन्वर्ट किया, एक्स की पावर अल्फा, एक्स की पावर बीटा जीरो। तो ये बातें ध्यान से सेट करिए माइंड पे कि अगर ये चीज हमें आती है तो मुझे तो टाइम लग ही नहीं सकता क्वेश्चन करने में। पॉइंट भी क्लियर, बहुत अच्छे, चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट उड़ाइएगा, टाइम बिल्कुल नहीं देंगे हम, अब उम्मीद करेंगे कि आपके कमेंट क्वेश्चन खत्म होते ही तुरंत आना शुरू हो जाए। चलिए देखिए, लिखिए क्वेश्चन, राइट डाउन, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या दिया है, अगेन वन दिया है, कह रहा है देन, तो बताइए जवाब, जल्दी से शुरू हो जाए, x की पावर 97, x की पावर 98, सब प्लस में लिखा जा रहा है, x की पावर 99 प्लस x की पावर 100 प्लस x की पावर 101, उड़ाइए उड़ाइए, जल्दी से उड़ा दीजिए, फटाफट उड़ा दीजिए क्वेश्चन का जवाब, विद इन सेकेंड आपका आ जाए, बहुत मजा आएगा, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों आंसर देना शुरू करिए, टाइम बिल्कुल नहीं लेना आपको। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शुरू हो जाइए, जवाब भी आना शुरू हो गया फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ चुके हैं और उनके जवाब भी फटाफट आते हैं, क्वेश्चन लिखते ही जवाब आना शुरू हो जाता है, बहुत बढ़िया, देख के काफी मजा आ रहा है। चलिए बाकी लोग भी जवाब दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए फटाफट, मैंने कहा ना क्वेश्चन में केवल घूर दीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से तो जवाब बहुत जल्दी आप दे देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर आना शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड जॉब, असम। चलिए तीन का गैप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तीन के गैप वाला कोई दिखा मेरे प्यारे बच्चों, 97 मोर 100 में तीन का गैप है, 98 और 101 में तीन का गैप है, तो ये मिलके जीरो होंगे,
तीन के गैप है इसलिए इनको हमने जीरो बोला, बच कौन गया एक्स की पावर 99। मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब अगर मैं अंदर लिख दूं तो बाहर मुझे 33 लिखना पड़ेगा, पॉइंट भी क्लियर। अरे 3 से 99 को डिवाइड किया तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस वन की पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस में ही आता है। समझ पाए कि नहीं बताओ, पक्का क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, नाइस जॉब। तो इसी तरह क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाइए, टाइम कैसे लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगने दिया जाएगा। ओके समझ पा रहे हैं, तो ट्रिक्स को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाली नहीं, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और फंडा आपके सामने आ रहा है, तो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइएगा उसका जवाब, ठीक है। चलिए देखिए कंसेप्ट है क्या, तो क्वेश्चन से ही कंसेप्ट बनता है, देखिए ध्यान से। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फाइव, ठीक है, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करिए मेरे प्यारे बच्चों, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये आया 5x, दोनों तरफ अगेन इसमें x से मल्टीप्लाइड करिए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर, अगेन x से मल्टीप्लाइड करिए तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x का क्यूब। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत आ रहे हैं, ठीक है, हम सोच नहीं पाते हैं। तो पावर का फंडा, पावर का फंडा गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या चल रहा है। हमने कहा कि ऊपर वाला तो गिवन है, ये तो गिवन होता है, राइट, दिस इज गिवन डाटा। फिर मैंने देखा क्वेश्चन कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं, कैसे मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। तो मैंने एक बार नहीं तीन बार एक्स से मल्टीप्लाइड किया, पहले एक्स से किया जो आया, फिर दोबारा एक्स से किया, फिर एक बार और, तो पावर 4 तक का क्वेश्चन अगर दिया जाए तो इस तरीके की अप्रोच हो सकती है। बात समझ पा रहे हैं, देखो क्वेश्चन मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, मैंने जोड़ना शुरू किया लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई ऐसा नंबर जो आप कैंसिल कर सकते हैं, जरा गौर से देखिए। तो यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग हो सकती है, देखो एक्स स्क्वायर दो बार है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये x है यहाँ पे, x है ध्यान से कि x है यहाँ पे, कितना रह गया 4x, सिंपल कैलकुलेशन है, ये है कट गया तो यहाँ पे क्या रह गया मेरे प्यारे बच्चों 4x क्यूब। अब सिंपलीफाई करने की बात है तो ये x की पावर 4 रह गया, बड़ी पावर से शुरू करिएगा, अब x की पावर 3 वाले को उठाइए तो ये इस साइड है, इसको इधर बुला लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस 4x क्यूब आ गया, आया ऐसे स्क्वायर वाले को उठाइए मेरे प्यारे बच्चों तो माइनस का 3x, सबको इधर ले आइए, सबको उधर से इधर लाइए, माइनस का 4x, प्लस में उधर है तो इधर आएंगे, माइनस हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि दिस इक्वल टू दिस देन, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन बना दिया गया, देन x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अब तो आपने कहा प्लस वन इधर था तो उधर चला जाएगा, तो ये जो प्लस वन है ना मेरे प्यारे बच्चों जो आपने ऐड कर रखा है इसके अंदर, राइट, उसको उठा के उधर ले जाइए तो इसकी वैल्यू ये वाला पार्ट देगा, यही वाला पार्ट है ना, ये प्लस वन इधर चला जाएगा तो रिजल्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस वन, खत्म। तो इस तरीके के जबरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपने एक चीज देखा, पावर डिक्रीजिंग है, क्या है, डिक्रीजिंग मोड में। देखिए इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, यही आंसर होती है, साइन इसका बदल दिया गया, प्लस है ना तो ये माइनस होता है, तो ये रिजल्ट ज्यादातर आपको नजर आएगा। तो इसका ट्रिक्स क्या होगा, ज्यादातर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है साइन चेंज करिए, अगर लेफ्ट इसको अगर आप उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये उधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा। समझ पा रहे हैं, पक्का क्लियर हो रहा है, हाँ जी फटाफट बताते रहिए, कोई डाउट तो नहीं आया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, पहले इसमें x से मल्टीप्लाइड किया, फिर जो आया इसमें किया, फिर जो आया इसमें, मतलब मुझे पावर 4 तक ले जाना है, और पावर 4 तक आपको पता है कैसे ले जाएंगे, तीन बार x से मल्टीप्लाइड करके, फिर जोड़ना है सिंपल, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, फिर देखना है कोई चीज कैंसिल हो रहा है, माइनस करिए, सबको लेफ्ट हैंड साइड में उठा के रख लीजिए, लेकिन जो कांस्टेंट है जो x से नहीं बना हुआ है वो आंसर होता है क्वेश्चंस में, उसको उस साइड ले जाइए, उसका साइन अगर इधर प्लस में दिख रहा है तो इधर होकर
उधर जाएगा तो राइट हैंड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पॉइंट भी क्लियर पक्का? उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों चीजें बहुत अच्छे समझ में आपको आ रही आ रही। तो इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आजकल पेपर में आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट फंडा है क्योंकि ये चीजें हमें खुद बनानी पड़ती हैं। तो ट्रिक्स मैंने क्या बताया, ये प्लस वन है, देखो ये प्लस है, ये क्या है प्लस है और ये वन है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस वन। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखिए जिससे बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए, नोट करिए। लिखिए इफ एक्स माइनस टू बाई एक्स इक्वल टू वन, राइट। बहुत दुनिया भर के क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, मैंने कहा एक्स से मल्टीप्लाइड करिए, एक्स से कर दीजिए मल्टीप्लाइड पहली बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखिएगा, एक्स से मल्टीप्लाइड किया है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स एक्स कट जाएगा या एक्स, एक बार और करिए, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक बार और करिए, एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। ऐसे पावर फाइव तक, पावर सिक्स तक के क्वेश्चन अगर पूछता है तो एक बार और पावर फाइव से आ जाएगी, बार और पावर सिक्स से आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि पावर से क्वेश्चन कहाँ शुरू है, तीन चार पाँच जहाँ से है वहां तक पहले ले जाइए, फिर इसको मेरे प्यारे बच्चों जोड़ दो। देखो जोड़ दीजिए फटाफट, कुछ कट पिट रहा है जरा देखिए, मैंने टेक्निक बताई थी, ध्यान रहे इस बात का, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर यहाँ है प्लस में, इधर है प्लस में, सेम होगा तो कटेगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं। एक्स क्यूब यहाँ पे कैंसिल हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट देखा आपने कैंसिल किया, एक्स की पावर फोर बचा ना इधर, सबको बड़ी बड़ी पावर्स को, तो एक्स की पावर क्यूब बचा ही नहीं है, एक्स स्क्वायर बचा है वो इधर ही है, तो उसमें आपको कोई पंगा लेना नहीं। ओके, एक्स बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एक्स जब इधर आएगा ये वाला एक्स, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, इसके साथ माइनस थ्री एक्स, और रिजल्ट क्या है मेरे बच्चों माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछना है, एक्स माइनस टू बाई एक्स इक्वल टू वन, देन लिख लीजिए क्वेश्चन, देन एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की वैल्यू क्या है, आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको अप्रोच पता होगी कि हाँ क्वेश्चन तो इसी तरीके के अप्रोच से बना हुआ है, तो फिर आप टाइम नहीं लगोगे, फिर टाइम आपके पास नहीं लगेगा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, समझ पा रहे हैं बात को। आंसर क्या आ गया जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए फटाफट क्या आया मेरे प्यारे बच्चों जवाब, ये माइनस टू उधर बुलाया जा रहा है तो ये प्लस टू हो गया, खत्म, गेम ओवर, समझ पा रहे ना। तो देखने की बात समझ में आई, जिस तरीके के दुनिया भर के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, बच्चे होल स्क्वायर करते हैं, होल क्यूब करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, पावर जब तक आपको इस तरीके की कंसेप्ट की कहानी मिले तो आप एक से मल्टीप्लाइड दोनों तरफ करते जाओ जब तक कि पावर हाईएस्ट नजर ना आए, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और इसको बताने के लिए ये काम देखे कितने आसानी से कर लिया। तो ये सब मेंस के पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीजीएल के मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन डालते हैं और बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और क्वेश्चन के जवाब तक पहुंचने में बहुत मुश्किलों को फेस करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में पक्का, चले आगे। हाँ, जोड़ना सही से होगा, लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट में, अगर लेफ्ट और राइट में इक्वल वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगी, ये भी आपको पता होगा, राइट। ओके, सारी चीजों को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, राइट हैंड में जीरो रखिए, क्वेश्चन अपने आप दिखने लगेगा आपको, समझ पाए पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, नाइस जॉब, चलिए आगे चलते हैं, बढ़ जाए आगे, चले आगे पक्का। ओके, लिखिए जरा, अब पिछला कुछ कंसेप्ट भी रिवाइज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखिए इफ रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, ये आपको टू दिया मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए क्या जवाब आएगा, देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, उड़ाइए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब हमें बताते हैं, हमें इंतजार है आपके जवाबों का, जल्दी से शुरू हो जाइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बताइए। पिछली बार भी ये चीज पढ़ाई गई थी, याद करिए, तो हमें नहीं लगता कि आप इसमें बहुत ज्यादा समय खर्च करेंगे, ठीक है, लग जाइए काम पर फटाफट, लग जाइए, जल्दी से लग जाइए काम पर, आंसर बताइए।
root x plus 1 by root x equal to 2, then x cube plus 1 by x cube is what? क्या वैल्यू आएगी जल्दी बताइए. ठीक है लगता है ये काम पर बहुत अच्छे. गुड. क्या क्या आंसर आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट आंसर बताइए. टाइम क्यों इतना लग रहा है, मतलब नहीं बनता था, याद करिए, कुछ है ही नहीं. क्या है इसमें, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं जो आपको नहीं आता. अरे रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स इक्वल टू क्या टू है. बहुत सारे बच्चों ने कहा स्क्वायर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं. रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन एक्स प्लस टू ए बी, वो हमेशा टू ही होता है. क्यों होता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों ये कट नहीं जाएगा और ये फोर होता है, याद आया तो ये कट जाएगा. तो यहां से एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या आया, फोर माइनस टू टू है. याद करिए ये चीज देने के बाद इसमें क्या रुकेंगे आप, अरे एक्स इक्वल टू वन मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है एक्स इक्वल टू वन, खत्म. उसी के परेशान होने की जरूरत नहीं, वन प्लस वन आंसर इज टू. क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं. राइट हैंड टू हो, मैंने क्या बताया था, जो ये हो वही ये भी हो तो ये वन होता है, बताया था कि नहीं पिछले लेक्चर में, याद करिए. अगर ये वन है तो ये भी वन है, तभी तो ये टू बनेगा. समझ पाए बात को, अगर ये रूट एक्स है तो रूट एक्स ये भी होना चाहिए, ये रूट वाई है तो ये रूट वाई होना चाहिए, मतलब जो ऊपर यहाँ वन अपान में भी वही नीचे होना चाहिए. राइट हैंड में टू है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिक्स के साथ काम करिए, माइक्रो सेकंड में जवाब बताइए. समझ पाए बात को, हाँ बहुत मुश्किल लग रहा है तो रूट एक्स को एक्स बनाना है तो स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. चलिए आगे चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करके बताइए अगला क्वेश्चन क्या लिखे. देखिए 2x प्लस 1 बाई 3x इक्वल टू 2, ओके देन 27x क्यूब प्लस 1 बाई 8 एक्स क्यूब, बताया ऐसा क्वेश्चन, जल्दी से करिए, मुझे नहीं लगता कि आप टाइम खर्च करेंगे, फटाफट बताइए, शुरू हो जाइए. 27 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 8 एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, कहानी लगा दीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं आपके लिए, फटाफट जवाब बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल शुरू हो जाइए, फटाफट जवाब दीजिए. चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए, आ गया जवाब की नहीं, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आया क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों. ध्यान रहे ये टू है, ये टू है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है. ट्रिक्स मैंने बताई होंगी क्वेश्चंस में, याद करिए, क्वेश्चन को फॉलो करिए. क्वेश्चन में 27 एक्स क्यूब है, ये पूरा पूरा 3x का होल क्यूब है, याद करें तो ये 3x का पूरा पूरा होल क्यूब आपको दिख रहा होगा, राइट. पहचानिए, क्वेश्चन को पहचानना सीखना है और कुछ है ही नहीं, राइट. आपने कहा ये बिल्कुल ठीक है और ये भी दिख रहा है 1 बाई 2x का होल क्यूब है. जब तक ये चीज आप क्वेश्चन में देखेंगे नहीं तब तक ही कन्वर्ट नहीं करेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 भगाना है मुझे, 2 को हटाना है और 3 को बुलाना है, नीचे भी 3 को भगाना है, तो कुछ नहीं क्या करें 3 बाई 2 से मल्टीप्लाइड करें. देखो दोनों तरफ ये काम एडिशनल है, 2x प्लस 1 अपॉन 3x, जैसे आपने काम किया काम आपका आसान हो गया, 3 बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, याद करो, वैसे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हो आप, तो अंदर बना 3x प्लस 1 बाई 2x और ये रिजल्ट 3 के बराबर आ चुका है कि नहीं बताइए. फिर इसका होल क्यूब का फंडा याद आया, बताया था क्या है, तो जल्दी से आंसर बताइए. 27x क्यूब, ट्रिक्स के साथ काम करिए क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं ना उसमें टाइम तो लगता है नहीं. ये क्यूब बताइए 3 का क्यूब, माइनस 3 ए, 3 इंटू 3
और मेरे प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, इनटू ये तीन है, ये तीन बटे दो बताया था, ध्यान करिए, याद आ गया? बिल्कुल आया, तो ये ट्रिक्स लगा लीजिए। तो थ्री का क्यूब, थ्री के क्यूब बाय टू। हाँ जी, थ्री का क्यूब 27 माइनस 27 बाई टू। 27 में 27 का आधा घटाएंगे तो 27 बाई टू ही तो बचेगा। तो आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? 27 बाई टू। समझ में आया कि नहीं बताइए? अरे समझ में आया, ट्रिक्स भूल गए क्या? ए क्यूब माइनस थ्री ए तो होता ही था, फिर इसको इसके साथ याद करिए, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज किया ना, ये है ना तीन बटे दो, तो ये तीन बटे दो यही था ट्रिक्स, याद करिए। इतना सा काम करना, बट क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया क्योंकि जो हमसे पूछा जा रहा है वो चीज वैसी तो नहीं थी, राइट? चेंज करना पड़ा। पक्का डन? समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? ऐसे क्वेश्चंस एलजेब्रा की दूसरी क्लास में भी कर चुके हैं आप, ठीक है? अगर इन्होंने पहली बार ये अटेंड कर रहे हैं क्लास, वो एलजेब्रा पार्ट टू जरूर देख लें, राइट? क्लास नंबर टू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं उसमें पहले भी करा चुका हूँ। चले आगे, पक्का? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है? एलजेब्रा को एक नई ऊंचाई तक ले जाना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को करना है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे हर एक क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चंस बहुत सारे इस टॉपिक से पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन, जो आपके सीजीएल का ही क्वेश्चन है, उसको मैं देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? आपके सीजीएल मेंस में वो क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है तो बहुत आसान, तो क्या है लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है इफ एक्स इक्वल टू, If x equal to 11, लिखिए x equal to 11, then x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4, फटाफट नोट करते रहिए, प्लस 12 x का क्यूब माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 12 x क्वेश्चन मार्क। चलिए समय आपका शुरू हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, लग जाइए काम पर, देखते हैं कितने लोग इसका मुझे सही जवाब बताते हैं। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट बताइए, ट्राई जरूर करिए, नहीं आएगा तो बताया तो जाएगा ही आपको, मैं बताऊंगा ही, बट आप एक बार खुद से सोचो कि इसमें अगर क्वेश्चन पेपर में तो कुछ भी मैं इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, बट सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, दिमाग तो आपको खुद चलाना ही पड़ेगा, क्या अप्रोच रखे कम से कम समय लगे, क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक है? x इक्वल टू 11, x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 12 x क्यूब माइनस 12 x स्क्वायर प्लस 12 x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, राइट? x की वैल्यू 11 का यूज करना है, ध्यान रहे। कैसे करें थोड़ा सोच लीजिए, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। अभी तक जवाब किसी के आ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? जल्दी करिए, जल्दी से जवाब बताइए, टाइम इतना नहीं मिलेगा, मेंस का क्वेश्चन है, एक मिनट का टाइम दे दिया जा रहा है आपको, बट एक मिनट भी ज्यादा ही होता है, राइट? एक्स इक्वल टू 11 की पावर 5 माइनस 12 एक्स की पावर 4 प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिए, ऊपर 11 है नीचे 12 है मेरे प्यारे बच्चों, यही लिंक पॉइंट है, राइट? ऊपर 11 है और नीचे 12 है, पर x की वैल्यू 11 आप डालोगे ऐसे डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 11 की पावर 5 आपके लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट करेगा, 11 की पावर 4 मतलब कर भी लोगे तो टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ पा रहे बात को? तो टाइम की ही कीमत है एग्जाम में, टाइम की बहुत कीमत है, टाइम बच गया, क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा हो गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ये 11 नीचे 12, तो नीचे भी 11 बनाने का ट्राई करो, शुरू हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैंने बस इतना किया है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, सब कुछ मैनेज करना है और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ध्यान दीजिएगा,
सबको 12 को ब्रेक कर लो 11 और 1 में, राइट, अपने आप 12 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात बनेगी नहीं, ठीक है ना। देख लीजिए मेरे सामने क्या मुश्किलें आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, देखिए जरा क्या यही है, बताइए, क्वेश्चन तो यही है। ऐसा दिमाग में मेरे इसलिए आया क्योंकि x बराबर 11 मुझे दिख रहा था और नीचे 12 दिख रहा था, तो उन दोनों को यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से यूज करिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाए, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से देखिए, अगर अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं, इसको जरा ध्यान से देखिए, इस पार्ट के बारे में क्या ख्याल है, जल्दी से बताइए इस पार्ट के बारे में क्या ख्याल है मेरे प्यारे बच्चों। अरे 11 की पावर 5 है और है 11 इंटू 11 की पावर 4 है, कैंसिल हो गया क्योंकि 11 की पावर 5 माइनस 11 की पावर 5 ये जीरो हुआ कि नहीं, बताइए। अरे फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए, ऐसे या नो में कमेंट तो कर दो मेरे प्यारे बच्चों, पता तो लगेगा आप चीज़ों समझ पा रहे हो, क्लियर, जल्दी से कमेंट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम, राइट। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों x की पावर 4 ये माइनस में है और यहां भी बनेगा 11 इंटू 11 इंटू एक्स क्यूब है ना। फिर से अगर 11 आपने रखने का ट्राई किया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों मिलकर जैसे इधर ये दोनों जीरो हुए प्लस माइनस की वजह से, वैसे ये 11 की पावर 4 माइनस का और 11 इंटू 11 का क्यूब, तो 11 की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सेम बेस में पावर एड होती है, तो ये दोनों क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, जीरो हो गए। सेम बात बताइए, सेम बात, यहाँ पे प्लस में और ये माइनस में, पावर 3 है लेकिन 2 है, एक 11 के आने से ये भी जीरो हो गया, हो रहा है कि नहीं, देखिए ध्यान से, माइनस ये आपका प्लस है, ये भी क्या होगा, ध्यान से कि जीरो होगा, रख कर देखिए वैल्यू, एक उतना ही प्लस एक उतना ही माइनस में आएगा, तो आई थिंक सब जीरो हुआ सिवाय किसके, एक रह गया एक्स, क्या रह गया एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट एक्स के बराबर है, क्या है एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 11 है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया वही आंसर है, जो प्रॉब्लम में डाटा दिया गया वही जवाब है या नहीं, बताइए ध्यान से देखिए क्या किया गया, यही तो किया गया, तो बहुत ज्यादा ठीक है सोचने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस माइनस अल्टरनेट में दिख रहे हो तो कुछ कैंसिल होने के चांसेस बनते ही बनते हैं और डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नजर आए आपको तो चीजों को कैंसिल करने के बारे में आप सोचना, समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या देखा, x बराबर 11 देखा, x की पावर 5 माइनस 12 से मुझे याद आया कि 12 को 11 अगर बना ले तो हो सकता है कोई बात बन पाए, और जब से मैंने 12 को 11 और 1 में ब्रेक करना शुरू किया बातें अपने आप बन गई, वैल्यू डाला तो सब वैल्यू कटने लगी क्योंकि उतना ही प्लस दूसरा उतना ही माइनस में आया तो कटना तो तय है, आगे चलकर सब कट गए, बच गया केवल x। अब x की वैल्यू ही हमसे पूछी जा रही है, x ही दिया तो फिर करना क्या था, कुछ करना था, उम्मीद करेंगे आप जवाब बताएंगे। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर, फटाफट माइक्रो सेकंड में उड़ाइएगा क्वेश्चन, मजा तभी आएगा, ध्यान से करिएगा, चलिए चलिए लिखिए जल्दी से, ठीक है, ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत आने की बात बिल्कुल नहीं, ओके गुड जॉब। तो चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखिए देखिए, इफ एक्स इक्वल टू 17, ध्यान से पहले पूरा क्वेश्चन नोट करिए, जवाब तुरंत नहीं चाहिए, जैसे क्वेश्चन खत्म होगा तब जवाब बताना, देन एक्स की पावर 5 माइनस 18 एक्स की पावर 4 प्लस 18 एक्स क्यूब प्लस माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 18 इक्वल टू हार्ट, फटाफट माइक्रो सेकेंड उड़ा दीजिए, ध्यान से देखिए पिछला क्वेश्चन कैसे किया गया, केवल आप उसको हिट करिए, आप कहेंगे सेकेंड में कैसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही होते हैं चीजें पता है, ठीक है, देखते ही क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये तो सेकेंड का क्वेश्चन है, एक सेकेंड में आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट, स्पीड बढ़ा दीजिए, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड का क्वेश्चन भी नहीं है, राइट, याद करिए पिछला क्वेश्चन, आपने क्या बताया था, आपने देखा था कि यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक के क्वेश्चंस को क्या बोला था मैंने, याद करो मेरे प्यारे बच्चों, ये x था, ये क्या था x, ये सिंपल x माइनस 18 का क्वेश्चन है, खत्म। अरे पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यही था,
तो 17 माइनस 18 क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? अरे क्या आया? माइनस वन। बहुत बढ़िया है, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। देखिए कितना टाइम लग रहा है, खत्म, उड़ा दिया क्वेश्चन को आपने, समझ पाए? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल आपको। इफ एक्स इक्वल टू 21 देन एक्स की पावर 5 माइनस 22 एक्स की पावर 4 प्लस 22 एक्स क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों लग जाइए काम पर, 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स प्लस 22 प्लस 22 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए उड़ाइए, फटाफट उड़ाइए, माइक्रो सेकंड भी नहीं आया तो मजा बिल्कुल आने वाला नहीं, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो सेकंड में जवाब बता दीजिए। जल्दी से काम पर लग जाइए, उड़ाइए क्वेश्चन को। एक्स इक्वल टू 21 दिया है, बहुत अच्छे, लोगों के जवाब कब के आने लगे, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। याद करो क्वेश्चन में, यहां से यहां तक की कहानी, पावर एक्स तक, एक्स की पावर 1 तक तो वही है जो ऊपर 21 है, और प्लस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 22। खत्म। क्या आ गया? 43 आ गया। क्या मुश्किल लगा? नहीं लगा, उम्मीद करेंगे इंजॉय कर रहे होंगे आप पक्का। चलिए कमेंट में बिल्कुल कंजूसी मत किया करो, आप कमेंट करते रहो, पता लगता रहे मुझे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। पॉइंट भी क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है? चलिए गुड, असम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप जरा गौर से देखिए, कुछ और मजेदार क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, ध्यान से करिएगा। क्या है क्वेश्चन, लिख लीजिए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये है। इसका जवाब आप हमें अगर बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लिख लीजिए, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। लिखिए, राइट डाउन, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 देन 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। उड़ाइए जल्दी से, जल्दी से उड़ा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ाइए तो देखते हैं कितने लोग जवाब बता रहे हैं। बहुत अच्छे, शुरू हो जाइए काम पर, चलिए लग जाइए काम पर। कितने लोग इसका मुझे सही जवाब बता रहे हैं? चलिए, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाइए, कुछ भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मुश्किल तो होता ही नहीं, राइट जी हाँ। चलिए कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे, नाइस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं जवाब बताइए, भीड़ से जवाब चाहिए, स्पीड बढ़ाइए, इतने सारे लोग हैं, आंसर अगर नहीं ज्यादा से ज्यादा आएगा तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल क्वेश्चंस का जवाब सही सही मुझे बताएंगे, राइट। हाँ जी बच्चों, कमेंट करते रहिए, देखता हूँ क्या क्या आंसर आ रहे हैं। थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा सा दिमाग चला लीजिए, दौड़ा लीजिए, आएगा, आना तो पड़ेगा ही इसे। चलिए फटाफट स्टार्ट करिए, अब तक आंसर की धड़ी ठीक है, लाइन लग जानी चाहिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। x प्लस 1 बाई एक्स 5 है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत तरीके हैं। तो तरीका नंबर वन देखो, सोल्यूशन नंबर वन, आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता, नीचे यहाँ क्वाड्रेटिक है, देखो जब भी x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू समथिंग दिया जाए तो x से मल्टीप्लाइड कर दो, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाइड करो, क्वाड्रेटिक बनता है, याद आया? पावर 2 बनाना है, याद आया अपने का? बिल्कुल। ये चीज क्या क्लियर नहीं हुई मेरे प्यारे बच्चों, बोलो, अरे बता दीजिए ना, क्या क्लियर नहीं हुआ अपने का? बिल्कुल हो गया, बहुत अच्छे। तो इन द क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2x अपान 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो 3 आप कॉमन ले लो, कैसे लोगे? इसमें लोगे, राइट, और यहाँ पे प्लस 5x कर लो। एक बात का ध्यान रहे, ये चीज को मैंने इसके साथ ले लिया, इसको साथ में इसलिए लिया क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 मुझे यहाँ से दिखने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2x ऊपर है,
नीचे जरा इसकी वैल्यू मुझे बता दो क्या है, 5x। इसकी वैल्यू क्या है, अरे क्या है, 5x। बहुत अच्छे, तो नीचे क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 3 5 15 5 20, 20x आ गया। क्या आया, 20x, x x उड़ गया, आंसर क्या आया, 1/10। क्या सिंपल है, देखिए समझ में आया। तो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू समथिंग दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका यही मतलब निकलता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता है अगर आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाइड कर दें। पॉइंट भी क्लियर। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, तो भी वो बन जाएगा x प्लस 1/x के फॉर्म में। हाँ, क्या मैंने किया, फिर से देख लीजिए, कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा। तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड किया, मुझे ये चीज मिल गई। अब क्वेश्चन में मैंने ये ढूंढ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन मुझे दिखाई देने लगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन मुझे दिखाई देने लगा। ये चीज मुझे यहां से दिखी जब मैंने इसको इसके साथ मर्ज किया, मैंने 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल गया। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन मिल गया, उसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, 5x। देखिए तो 3 5 15x प्लस 5x 20x, खत्म कान। सोल्यूशन नंबर वन समझ में आया पक्का, कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो, जो भी आपको लगे कि हमें समझ में आया, ठीक है, तो फटाफट इसमें कमेंट करिए, ठीक है, नाइस। एक मेथड और देखिए, इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, चलिए जरा देख लीजिए फटाफट दूसरा तरीका क्या है इसका, जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2x आपको x प्लस 1/x इक्वल टू दिया 5x, ध्यान रहे ये दिया ना, तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, मुझे ऊपर x दिख रहा है, नीचे से x कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए दोनों को। क्या है तरीका, मैंने कहा दोनों तरफ x कॉमन ले लीजिए, ऊपर कॉमन लेंगे तो ऊपर कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो केवल 2 रह गया कि नहीं बताओ, नीचे बताओ x कॉमन आया तो अंदर आया 3x प्लस 5 प्लस 3/x, ध्यान रहे खत्म क्वेश्चन। ऊपर नीचे x कॉमन लिया तो ये तो कट गया, ऊपर 2 बचा, नीचे जरा ध्यान दो, 3 कॉमन ले ली दिए तो x और 1/x दिखने लगा होगा, दिखने लगा और ये प्लस का 5। अरे ये पॉइंट समझ में आया, ये चीज साथ में कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें साथ में मैं कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 और इसकी वैल्यू मुझे 5 दिया 15 5 20। देखो ध्यान से, बातें वही है जो अभी तक मैंने करी। तो सोचने के तरीके हैं, कंसेप्ट में आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, मैं आपको इसलिए सारे तरीके बताता रहता हूं कि कौन सा आपके दिमाग में चल रहा है, कौन सा जल्दी हिट कर रहा है। पॉइंट समझ में आया, एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, डन। चलिए गुड जॉब, नाइस। इसी बात पर एक और क्वेश्चन इसी जैसा, हमें उसके जवाब आप बताएं। ओके, लिख लीजिए फटाफट, लिखिए। देखो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 7, x प्लस 1/x इक्वल टू 7। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, तो जब आप बताइए, देन अगर ऐसा आपको दे दिया, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 5x अपान 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 की वैल्यू, जल्दी से, उम्मीद आप पर है, टिकी हुई है कि इसका जवाब बहुत ही स्पीड में चाहिए, फटाफट शुरू हो जाइए, कोई भी ट्रिक्स लगाइए, दोनों तरीके मैंने बताया, उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर दें। रिवीजन एक्स से, हाँ दोनों तरफ एक्स कॉमन लीजिए, खत्म करिए, टाइम कैसे लग रहा है, बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। सोल्यूशन आ गया, लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, नाइस, वेल डन। इस तरीके से आंसर आते हैं तो मजा जाता है देखकर। तो आपने देखा ऊपर क्या है, ऊपर x से x कट गया, हटाइए ऊपर x को हटाइए, नीचे से आपने 8 कॉमन लेना है, और 8 के बाद जो बचा वो 7 और प्लस का 9, इतना सा काम है मेरे प्यारे बच्चों, खत्म। अरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, लेवल अपना बढ़ाओ, अगर एक क्वेश्चन ऐसा किया वैसा दूसरा क्वेश्चन, तो टाइम क्यों लग रहा है, रिप्लेस। मैंने कहा ये दोनों साथ में जब आप लोगे x से डिवाइड करके, तो यही आता है 8 times, याद करो उसमें 3 times आया था, याद आ रहा है, तो चीजें वही है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ x नहीं रहेगा, ये 9 रह जाएगा, तो सब कुछ गेम है न्यूमेरिकल वैल्यू का, डन खत्म।
तो 5 बाई क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 8 सत्ते 56। कुछ लोगों को अभी डाउट आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, अरे एक्स कॉमन लिया तो मैंने कहा एक्स एक्स कट जाएगा, ये 8 यहाँ देखिए, बताया था कि नहीं बताया था। तो ऐसे ही दिमाग में ये बातें आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बस एक्स इसको इसको साथ में जब करेंगे डिवाइड करके, तो यहाँ एक्स आएगा, यहाँ 1/8 x, यहाँ 8x, यहाँ 8x, तो क्या हुआ 8 कॉमन लेकर यही तो आएगा, बस मैंने रिप्लेस कर दिया। तो 8 × 7, 8 × 7 क्या होता है, 8 सत्ते 56। बहुत अच्छे, 56 + 9, 56 में मेरे बड़े बच्चों 9 जोड़ो कितना आया, अरे बता दो भाई कितना आया, 64, 64, 65, 56 है ना, 56 है ना, उसमें 9 जोड़ेंगे तो 56 में पहले 4 जोड़ लीजिए, 60 + 5, 65। बहुत अच्छे, राइट। तो यहाँ पे 5 रख लीजिए, ओके, 5/65, चलिए काटिए, 13 × 5 = 65, लिख लीजिए आंसर 1/13, दिस इज राइट आंसर। तो टाइम लेने का मतलब नहीं, चुटकियां बजाइए, चुटकी बजाते जवाब आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए जरा, इफ एक्स प्लस 1/x = 4, स्पीड बढ़ा दीजिए, देन 3x अपान 5x² + 4x + 5, स्पीड बढ़ाइए, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप टाइम लेंगे। देन सेकेंड, फटाफट करिए, कैसे बताया ध्यान रखिए, तभी तो मजा आएगा, इसीलिए मेहनत करनी है, क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं धीरे धीरे आगे चलकर, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है, बाकी तो आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हो, स्क्वायर और क्यूब कर कर क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी आइडेंटिटी आपने पढ़ ली है, तो उम्मीद करेंगे कि अब नहीं टाइम लगाएंगे। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत लोगों ने जवाब बता दिया, काफी अच्छा लगा। ऊपर 3 बहुत बढ़िया, नीचे क्या होगा 5 × 4, बहुत अच्छे, गुड जॉब, +4, क्या मजा आ गया, कितना आया 5 × 20 = 24, बहुत अच्छे 1/8। तो ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट मत करिए, बिल्कुल देखिए उड़ा दीजिए क्वेश्चन, समझ पा रहे ना, बहुत बढ़िया। 5 के साथ वही 4 आएगा, फिर वो 4 एक्स्ट्रा है 4 का, 5 × 4 = 20 + 4 = 24, डन, गुड जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा देखिए, लिख लीजिए, इफ थोड़ा सा वापस आते हैं ना, और वापस आकर क्वेश्चन कैसे लिखिए, x² + 1/x² = 9, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों दिया है 11, लिख लीजिए दिस इज 11, क्या दिया है 11, देन x + 1/x की वैल्यू क्या है, फटाफट बताइए, x² + 1/x² अगर 11 दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो x + 1/x की वैल्यू क्या आएंगी, उड़ाइए जल्दी से, उड़ा दीजिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, देखते ही धज्जियां उड़ाइए, टाइम तो लगना नहीं चाहिए, फटाफट काम पर लग जाइए मेरे प्यारे बच्चों। कुछ नहीं समझ में आया आपने कहा नहीं, तो इसका होल स्क्वायर तो आना चाहिए, मान लो इसका जवाब के है, सपोज करो ये के के बराबर, अब चलो चालू हो जाइए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, टेक्स्ट के बाद लगा देंगे, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जरा ध्यान से, कोई स्क्वायर आपको याद आया, a² + b² + 2ab, और 2ab में 2x × 1/x कटेगा, 2 आएगा, तो ये आएगा k² मेरे प्यारे बच्चों। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, खत्म, गेम इज ओवर, 11 + 2, 11 है, तो k² की वैल्यू क्या आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, 11 + 2 = 13, राइट, तो k की वैल्यू क्या आएगी, √13, लेकिन ध्यान रहे प्लस माइनस, तो आंसर लिखिए, आंसर क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस का 13, ओके, पॉइंट भी क्लियर, देख लीजिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, चीजें उड़ाई दीजिए, फटाफट उड़ाइए, दम लगाइए, थोड़ा सा मजा आपको आने लगेगा, ठीक है, डन, क्लियर, हाँ, प्लस माइनस का जवाब आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन है, कई बार हम प्लस का √13 लिख देते हैं,
माइनस का रूट 13 नहीं लिखते हैं। ऑप्शन जरा ध्यान से देखिएगा, प्लस का रूट 13 भी होगा, माइनस का रूट 13 भी होगा, समझ पा रहे हैं बात को, और प्लस माइनस रूट 13 भी होगा। तो ध्यान से केयरफुली जवाब दीजिए, तो मैं आपको गलती करवाने वाला ही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ पे आप गलती कर बैठे हैं, ऐसी बातें जो बोली है ना। हाँ, तो क्या मैंने बोला कि हाँ प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर इक्वल टू समथिंग तो उसके दो वैल्यूज आएंगे। क्वार्टिक में भी सिखाऊंगा, जब क्वार्टिक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा या प्लस माइनस में आपको सोचना पड़ा। ओके, हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन से ये सारे डाउट खत्म करते हैं। जरा देख लो, राइट डाउन लिखे मेरे प्यारे बच्चों। इफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 119, ध्यान दीजिएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों जब आप बताना शुरू करिए, सब x1 by x का फंडा चल रहा है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया। के मान लो मेरे प्यारे बच्चों, उड़ा दो क्वेश्चन को। बहुत सही, काफी लोग समझ गए हैं, काफी लोग समझ गए इस बात को, काफी अच्छा लग रहा है। के मान लीजिए, बिल्कुल बेसिक से अगर अप्रोच करेंगे तो के मानकर काम कर सकते हैं। जैसे आपने इसको के माना जो पूछा गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया मेरे प्यारे बच्चों, काफी लोगों ने जवाब बता दिया है, देखते हैं किसका जवाब सही है किसका गलत है। प्लस टू आएगा और यहाँ पर के स्क्वायर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू याद करो, ऊपर ही दे रखी है, ध्यान दीजिए, 119 प्लस टू इक्वल टू के स्क्वायर है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 121। के की वैल्यू बताओ रूट 121, प्लस माइनस लिख दिया आपने, लिख दिया ना प्लस माइनस आपने कही, तो 11 आ गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, प्लस माइनस 11 ऑप्शन में जरूर है, बट अब यहाँ प्लस माइनस 11 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी क्या है, स्क्वायर है। देखो स्क्वायर है, निगेटिव हो नहीं सकता, ये भी स्क्वायर है, निगेटिव हो नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात कंफर्म हो गई कि रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं आ सकता, तो ओनली वन सोल्यूशन ही यहाँ पॉसिबल है, के इक्वल टू प्लस का 11। तो प्लस माइनस कब देंगे, जब पॉसिबल है। यहाँ स्क्वायर में तो पॉसिबल है नहीं, स्क्वायर में तो पॉसिबल है नहीं कि आप स्क्वायर में भी बता दो, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बातें समझ में आई, क्लियर हुआ ना? तो ऐसे क्वेश्चंस की झड़ी लग जाती, पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, गलतियां बिल्कुल मत करना। प्लस माइनस कब होगा, कब नहीं होगा, स्क्वायर होगा तो माइनस वाला नहीं हो सकता, हाँ अगर स्क्वायर ना हो तो फिर प्लस माइनस आंसर बिल्कुल दीजिएगा, गलती मत करिएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं, शायद ये भी क्वेश्चन पेपर में ही पूछा हुआ है, ठीक है, अब याद नहीं आ रहा किस ईयर में पूछा गया है, बट एग्जाम में ये आया ही है, ठीक है। चले आगे, एक और क्वेश्चन ऐसा देते हैं, सारे डाउट खत्म करते हैं। लिखिए, राइट डाउन फटाफट लिखिए, इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 11, ध्यान दीजिएगा क्या है, यही है, बहुत अच्छे, स्क्वायर कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर लीजिए, स्क्वायर, राइट, देन एक्स 1 बाई एक्स, माइनस का साइन लगाया, ध्यान दीजिएगा, चलिए स्टार्ट कर दीजिए, कहानी लगाइए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर लॉजिक से बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, चीजें बिल्कुल इजी हो जाएंगी, आपके लिए मुश्किलें हो ही नहीं सकती। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11, देन एक्स माइनस स्क्वायर, फिर से इसको के मान लो, बिल्कुल सीधी अप्रोच है, स्क्वायर दोनों तरफ करें अगर मेरे प्यारे बच्चों, तो जवाब आ गया कि नहीं, आज कमेंट करते रहिए जिनके जवाब आते रहे, वो लोग बिल्कुल जवाब दें जिनको ये आ रहा है, ठीक है। प्लस होगा क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है, यहाँ क्या होता है, माइनस माइनस टू ए बी, आपको पता है अगर एक्स वन बाई एक्स के फॉर्म का क्वेश्चन है तो ए बी वन होता है, इसलिए हम केवल माइनस टू लिखते हैं, और ये पता है के स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 11 है, 11 माइनस टू 9 आएगा, 9 मतलब के स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 3, क्या आएगी, अरे के स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 किसका स्क्वायर, 3 और माइनस 3, यहाँ पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है।
तो यहाँ प्लस माइनस दोनों आंसर पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप आंसर लिखिए प्लस का भी और माइनस का भी, मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे लोचा नहीं कि निगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? डन। उम्मीद करते हैं चीजें बहुत अच्छे से समझ में आपको आ रही है, राइट? गुड जॉब। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है? कहानी और देख लेते हैं जरा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, बताइएगा जरा ध्यान से देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे हम करेंगे और लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? लिखिए, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू थ्री, देन, चलिए देन बताइए, x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या कर लेंगे आप, चलिए बताइए जरा। शुरू हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो सोचना पड़ेगा ही, क्या करें? हाँ जी, x प्लस 1 बाई एक्स अगर 3 है तो x की पावर 5 का क्वेश्चन आया, 5 पावर बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। दिमाग में कुछ बातें आ जानी चाहिए कि क्या हम लगा सकते हैं इस पे। तो एक बात आप बताओ, आपको पता होगा अगर मैं कहूं इसकी वैल्यू बताओ। ट्रिक्स याद करो जल्दी से, फटाफट ट्रिक्स याद करो। अरे ए क्यूब माइनस स्क्वायर माइनस टू, 9 का स्क्वायर माइनस टू, याद आ रहा कुछ? 7। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, मेरे प्यारे बच्चों याद करो, ए क्यूब माइनस थ्री है, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 9। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं ये पूछता तो ये ट्रिक्स हमारे पास है, ये जवाब तो देने में आप टाइम नहीं लगाते। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपस में मल्टीप्लीकेशन, जरा ध्यान दीजिए क्योंकि ये पावर 5 बनाना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाइड करिए इसके साथ, तो आखिर रिजल्ट क्या आने वाला है जरा देख लेते हैं, ठीक ना? तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ जब मल्टीप्लाइड होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या रिजल्ट देने वाला है जल्दी बता दो। एक्स की पावर 5, नीचे लिख दे रहा हूं, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अभी ट्रिक्स बनेगी तो टाइम वहां पे फिर लगना बंद हो जाएगा। तो ये बातें समझ में आई, इनको नोट कर लीजिए यहाँ पे जो हमने निकाल दिया है, इनकी जरूरत आपको पता है और ये सब ऑन टिप्स बता देना चाहिए था आपको, इसमें टाइम नहीं है, ठीक है? इसमें टाइम नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें आपको निकालने में टाइम नहीं लगाना है। अब इनको हटाते हैं और इस पे वर्क करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाइड करते हैं, है ना? अरे ए स्क्वायर माइनस टू एक लिख दो, ए क्यूब माइनस थ्री है दूसरा लिख दो, खत्म, इसमें क्या समस्या वाली बात है, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे ना, क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन तो करिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर से करिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा? एक्स की पावर 5 प्लस, गौर से देखिए बातें ध्यान से, क्या आएगा? अरे एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब, क्या आएगा? 1 बाई एक्स, फिर इससे करिए, यहाँ पे क्या आएगा? x, फिर कुछ मुश्किल नहीं है। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों जवाब? अपने का आ गया, ये क्या है? अपने का दोनों का प्रोडक्ट है, 7 इंटू 18, यही तो है। अरे ये वैल्यू और ये वैल्यू में पता है ना, और हमसे आप ये पूछने जा रहे हो, तो ये बस माइनस करना है ना, इसको माइनस से उधर बुला लीजिए। तो लिखिए, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 इक्वल टू 17 इंटू 18 माइनस 3, और इसकी वैल्यू 3 है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मुश्किल क्या है? सही है, 17 8 26 माइनस 3, आंसर लिखिए 123। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के पेपर में आते हैं जो टाइम लेते हैं, तो एक ट्रिक्स लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम पढ़ाएंगे और भी आएंगे पावर बड़े बड़े, ठीक है? तो एक ट्रिक्स लिखिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या मिला जल्दी बताओ, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 की वैल्यू बताना ना,
क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस, हटाते हैं फिर से लिख लेते हैं। तो ट्रिक्स मैं अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रिक्स आप नोट कर लेना, तो इतना टाइम फिर आप नहीं देगा, उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए जरा बताइए तो ट्रिक्स क्या थी, ट्रिक्स लिख ली थी मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक्स क्या थी, एक्स की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव, बताइए क्या लिखें, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ओके। आगे बताइए एक्स की पावर टू प्लस वन बाई एक्स की पावर टू, माइनस क्या लिखें, एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये काम कर लीजिए, ठीक है। पावर पांच वाले क्वेश्चंस बिल्कुल मुश्किल नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, एक चीज कंप्लीट करते रहेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा लेक्चर्स इसमें लेने वाला हूँ, एडवांस मैथ को तो बहुत ही एडवांस बनाना है, राइट, क्योंकि इसमें ही क्वेश्चंस फंसाएंगे, टाइम लेंगे, बाकी अरिथमेटिक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। तो इसी उत्साह उमंग के साथ हमारे साथ आप बने रहिए, राइट, जिससे आपको हर एक चीज मैं क्लियर कराऊं और आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा दूं, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, रात के 9 से 10 की क्लास बिल्कुल नहीं भूलना, टाइम एंड वर्क की दूसरी कहानी, दूसरी क्लास होगी बिल्कुल, उसको आप अटेंड जरूर करना, ठीक है। अरिथमेटिक को एक नई ऊंचाई देना है, एडवांस यहाँ चल रहा है, अरिथमेटिक वहाँ चल रहा है, दोनों अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो इसी उत्साह उमंग के साथ, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही, कोई डाउट नहीं आ रहा है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी ठीक है कहानी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।